हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. दिस इज़ आवर हिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 12th. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया. एंड टुडेज आवर टॉपिक इज द लैंग्वेज एंड द रिचनेस ऑफ लिटरेचर. हम एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, यानी कि इंडिया की पास्ट की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ग्लोरियस था, गोल्डन पास्ट था हमारे. तो इसमें हमने पढ़ा है कि एंशियंट इंडिया की सिविलाइजेशंस पढ़ी है, एंशियंट इंडिया के हमने सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं कि जिससे हमें इंडियन हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन मिल सके. उसमें हमने लिटरेरी सोर्सेस और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में पढ़ा था. और आज का जो हमारा टॉपिक है, लैंग्वेज एंड द रिचनेस ऑफ लिटरेचर. लैंग्वेज मीन्स द लैंग्वेज, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एंशियंट इंडिया. आज तो हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में. हमारे इंडिया में हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है, तमिल है, इस तरीके की बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. और जो लिटरेचर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा जाता है. बट जो हमारा टॉपिक है कि एंशियंट टाइम पर जो हमारा लिटरेचर था उसकी मेन लैंग्वेज क्या थी, और हमारे इंडिया की लैंग्वेज कौन सी थी. दो संस्कृत लैंग्वेज, जो लैंग्वेज संस्कृत है, यानी कि जो हमारा एंशियंट टाइम पर संस्कृत लैंग्वेज मेन लैंग्वेज थी. एंड संस्कृत लैंग्वेज वॉज द मदर ऑफ कल्चर. एंड देर वॉज ए नो एनी अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज परफेक्ट एज द संस्कृत लैंग्वेज. और वर्ल्ड में ऐसी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी जितनी परफेक्ट संस्कृत लैंग्वेज थी, उतनी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी. और संस्कृत लैंग्वेज को क्या कहा गया है, मदर ऑफ इंडियन कल्चर. हमारे इंडियन कल्चर की मदर इसको बताया गया है. अब हम बात करते हैं कि जितना भी हमारा लिटरेचर रहा है, इंडियन लिटरेचर जो रहा है, वर रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज. जो सभी संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, जो एंशियंट कल्चर रहा है इंडिया के, एंशियंट कल्चर में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं वेदास, पुराण्स, उपनिषद्स एंड उपपुराण्स, ये सब की स्मृतिज, वंशावलीज, ऑल लिटरेचर वर रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज. द संस्कृत लैंग्वेज इज़ द मदर ऑफ आर कल्चर एंड देर इज़ ए नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज परफेक्ट इज द संस्कृत लैंग्वेज. एज आई टोल्ड यू कि संस्कृत लैंग्वेज को हमारे कल्चर की मदर कहा गया है. एंड देर इज़ ए नो अदर लैंग्वेज, और ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है वर्ल्ड में, इतनी परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है जितनी कि हमारी संस्कृत है. ओके, और जितने भी हमारे लिटरेचर है, यानी कि जो हमारा लिटरेचर है, साहित्य है, ऑल लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया वर रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, वेदास. अब हम बात करते हैं हमारे लिटरेचर की. इन द पॉइंट ऑफ व्यू लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया वॉज रिच इन लिटरेचर. हमारा जो भारत है वो लिटरेचर में भी काफ़ी आगे रहा है, भरपूर लिटरेचर हमें यहाँ पर मिलता है. एंड हमारा एंशियंट टाइम का जो लिटरेचर है वो रिटन इन द संस्कृत. तो हमारे एंशियंट लिटरेचर कौन कौन से हैं, वेदास, पुराण, वंशावलीज, उपपुराण, रामायण, महाभारत, ओके, दीज वर द लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया. ये हमारा लिटरेचर है, और बहुत ही हमारा लिटरेचर क्या रहा है, ग्लोरियस रहा है. एंड द लैंग्वेज ऑफ दीज लिटरेचर्स वॉज संस्कृत. और इन लिटरेचर की जो लैंग्वेज रही है वो संस्कृत रही है. वेदास की हम बात करते हैं कि वेदास क्या थे, कि वेदास जो हमारे सेज रहे हैं, जो हमारे साधु संत रहे हैं, दे गॉट यूनिक नॉलेज अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ. उनको जीवन के रहस्य के बारे में यूनिक नॉलेज थी. ओके, एंड दे गॉट दिस नॉलेज फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. और उनको ये लाइफ की जो जीवन की जो नॉलेज मिली है वो अपने एक्सपीरियंस से मिली है. एंड दीज नॉलेज वर एक्सप्रेस इन द वेदास. और ये ही लाइफ से जुड़ी हुई जो नॉलेज है उनको सेज ने, यानी कि जो हमारे साधु संत वेदास में क्या की हैं, उनको एक्सप्रेस की हैं. ठीक है, बट इन द बिगनिंग द वेदास वर नॉट रिटन इन स्क्रिप्ट. ये किसी भी लिपि में नहीं लिखे गए थे. एंड दे वर उनको आगे से आगे बढ़ाया गया था, वेदास को आगे से आगे हैंड ओवर किया गया था. वेदास वर हैंडेड ओवर बाय जनरेशन टू जनरेशन. ये जनरेशन टू जनरेशन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको क्या किया गया, हैंड ओवर किया गया, सौंपा गया, बढ़ाया गया बाय द वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी कि बोल करके. जैसे कि अगर मैंने पूरे वेदास को स्क्रिप्ट को याद कर लिया है, तो मैं अपनी आने वाली जनरेशन को बोल करके उसको लर्न करवाऊंगी. तो इन द बिगनिंग वेदास वर नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट. ये पहले स्क्रिप्ट में नहीं लिखे गए थे.
ठीक है, और इनको वर्ड्स के थ्रू ही जनरेशन टू जनरेशन स्प्रेड किया गया है। वेदास कितने वेदास हुए हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, 4 वेदास रहे हैं, जिनमें से कौन कौन से रहे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। दीज वर द 4 वेदास। और आर्यंस का, जो हमारे आर्यंस जिसको हम लोग सिविलाइज्ड कहते हैं, तो ये द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्यंस। आर्यंस की सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सी रही है, ऋग्वेदा। अगर हम इन सब लिटरेचर में बात करते हैं तो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर कौन सा रहा है, वेदास। वेदास वर द ओल्डेस्ट लिटरेचर ऑफ इंडिया विच वर रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज, बट इन द बिगनिंग इट वॉज नॉट रिटन इन द स्क्रिप्ट एंड वेदास वर हैंडेड ओवर टू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू द वर्ड्स ऑफ माउथ। तो पहले ये लिखा हुआ नहीं था, बाद में जो इसकी स्क्रिप्ट थी वो कौन सी स्क्रिप्ट रही, ब्रह्म स्क्रिप्ट रही थी। एंड दीज वर 4, ये ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा जो है आर्यंस की सबसे क्या रही है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट रही है। अब हम बात करते हैं होली पुराण्स की। होली पुराण क्या है, द पुराण्स आर फुल ऑफ द मैटर पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। यानी कि पुराण्स में हम लोगों को फुल ऑफ मैटर मिलता है हिस्ट्री का, यानी कि इतिहास का पूरा मैटर मिलता है। द पुराण्स आर फुल ऑफ मैटर पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, स्पेशल सिग्निफिकेशन इज गिवन टू द इंसिडेंट रिलेटेड टू द हिस्ट्री। और इसके अंदर हिस्ट्री से जुड़े हुए इंसिडेंट्स को स्पेशल क्या दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है पुराण के अंदर, ठीक है। इन द पुराण वी गेट वेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंसिडेंट कनेक्टेड विद लाइफ। और हम लोगों को पुराण से क्या मिलता है, वेल ऑर्डर डिस्क्रिप्शन, वर्णन मिलता है, यानी कि व्याख्या मिलती है लाइफ से जुड़े हुए इंसिडेंट की। हम लोगों को पुराण में क्या मिलती है, व्याख्या मिलती है। द राइटर ऑफ दिस पुराण, इन पुराण के जो राइटर्स थे वो कौन कौन से रहे थे, देखो लोम हर्षा एंड हिज सन उनके जो बेटे थे उग्रशर्वा, लोम हर्षा एंड द उग्रशर्वा, ये दोनों ही जो फादर एंड सन थे वर द राइटर ऑफ पुराण्स। पुराण में क्या मिलता है, हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हिस्ट्री, एंड पुराण्स आर फुल ऑफ मैटर ऑफ पर्टेनिंग ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री का इसमें फुल मैटर मिलता है। और पुराण के जो राइटर रहे वो रहे लोम हर्षा एंड हिज सन उग्र शर्वा। आगे हमने ये लिखा है कि इन द मेन पुराण्स, अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि वेदास, 4 वेदास थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, वैसे ही मेन पुराण कौन से थे, मेन पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, दीज वर द मेन पुराण। तो पुराण में कौन कौन से मेन रहे हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण दीज वर मेन पुराण। ये क्या है, काफी मेन पुराण है। अच्छा, पुराण्स के अलावा हम लोगों को लिटरेचर में और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग उप पुराण्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो थ्रू दीज उप पुराण्स द सेज हैव ट्राइड टू एक्सप्रेस द देयर व्यूज द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ मैन एंड थ्रू द उप पुराण्स। उप पुराण्स के थ्रू सेज नहीं, यानी कि जो साधु संत हैं उन्होंने कोशिश की है मानव की, इंसान की रिलीजियस और सोशल लाइफ को एक्सप्रेस करने की, यानी कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन मिलता है वो मिलता है रिलीजियस एंड सोशल लाइफ ऑफ पुराण। अब हम बात करते हैं सूत्रा, रामायण महाभारत से भी हम लोगों को, ये भी हमारे इपिक हैं, ग्रेट इपिक ऑफ इंडियन लिटरेचर, हमारे साहित्य के ग्रेट इपिक है रामायण और महाभारत। इन लिटरेचर के अलावा भी सूत्रा से भी हमें, सूत्र साहित्य को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, सूत्र साहित्य। तो हम बात कर रहे हैं ना लिटरेचर की, तो हमारा एंशंट लिटरेचर, इंडिया का जो एंशंट लिटरेचर है उसमें सूत्र साहित्य को भी इंक्लूड करते हैं। और सूत्र साहित्य ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ एंशंट इंडिया, सूत्र साहित्य भी हमारा एंशंट इंडिया का इम्पॉर्टेंट लिटरेचर रहा है। और इनमें से जो चीफ रहा है, सूत्र साहित्य बहुत सारे रहे, इनमें से जो मेन सूत्र साहित्य रहा है वो कला सूत्र रहा है।
कला सूत्रा, और कला सूत्रा को भी फिर हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। कला सूत्रा, सूत्र साहित्य ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ एंशियंट इंडिया एंड द चीफ अमंग द सूत्र साहित्यास। सूत्र साहित्यास के अंदर जो मेन रहा है वो कौन सा रहा है? कला सूत्रा। कला सूत्रा का तीन पार्ट में बना है, श्रुत सूत्रा, श्रुत सूत्रा, ग्रही सूत्रा, गृहा सूत्रा और धर्म सूत्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस लिटरेचर, रामायण महाभारत जैसे इपिक भी हमारे एंशंट लिटरेचर में इम्पॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। तो हमने ये क्या पढ़ा है, हमारे लिटरेचर्स पढ़े हैं, लैंग्वेज कौन सी थी हमारी? संस्कृत लैंग्वेज थी। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज रही है हमारे एंशियंट इंडिया की, और इसको मदर ऑफ इंडियन कल्चर कहा गया है, एंड देयर इज नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एज परफेक्ट एज द संस्कृत लैंग्वेज। एंड अमंग द इंडियन लिटरेचर, हमारे एंशियंट इंडिया का जो लिटरेचर रहा है वो कौन कौन से रहे हैं? वेदास, पुराण, वंशावलीज, उपपुराण, रामायण एंड महाभारत। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल सिस्टम चीफ फीचर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि एंशियंट टाइम पर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिकल सिस्टम चीफ फीचर्स। पॉलिटिकल सिस्टम और उसके चीफ फीचर्स, यानी कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा है एंशियंट टाइम का, उसके बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे और उसके मेन फीचर्स की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि वैदिक पीरियड की, कि वैदिक पीरियड में, वैदिक एज में हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा था। इन द वैदिक एज वेल ऑर्डर पॉलिटिकल हैड कम इन टू ऑफिंग, फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम। इन द वैदिक एज, वैदिक एज की बात कर रहे हैं हम। इन द वैदिक एज पॉलिटिकल सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो कौन सी थी? फैमिली। फैमिली वॉज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो इन द वैदिक एज, वैदिक एज की ही बात कर रहे हैं हम, वैदिक एज के पीरियड के टाइम की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी बात कर रहे हैं। तो फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट, फैमिली क्या थी? स्मॉलेस्ट यूनिट थी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक एज, जब हमारा वैदिक एज चल रहा था उस टाइम पर। एंड द नेशन वॉज द बिगेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो कौन सी रही थी? फैमिली। और बिगेस्ट यूनिट कौन सी रही? बिगेस्ट यूनिट वॉज नेशन। तो पॉलिटिकल सिस्टम की दो यूनिट्स थी, एक तो स्मॉलेस्ट फैमिली और बिगेस्ट रही थी वो कौन सी रही थी? नेशन रही थी ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रजन, विश्वग्राम एंड द कुल वर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रखा है राष्ट्र, देखिए बेटा राष्ट्र, राष्ट्र का मतलब हो गया कंट्री, जन, विश, ग्राम एंड कुल, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ी जो यूनिट थी पॉलिटिकल वो कौन सी थी? राष्ट्र थी। उसके बाद जन, जन का मतलब होता है कि जो स्टेट, उसके बाद में विश, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में थी ग्राम, विलेज, उसके बाद में कुल, फैमिली। तो ये क्या थी? दीज वर द यूनिट्स, पॉलिटिकल यूनिट्स थी, ठीक है, ड्यूरिंग द वैदिक एज। ये वैदिक एज में डिसेंडिंग ऑर्डर की, राष्ट्र का मतलब हो गया कंट्री, जन, स्टेट और विश, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम, विलेज एंड कुल, ये ऑर्गेनाइजेशंस थी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देयर वर मेनी जन्स इन वन नेशन, देयर वर मेनी जन्स, यानी कि एक नेशन में, एक राष्ट्र में, जन नेशन ये क्या है?
नेशन। तो एक राष्ट्र में यानी कि एक देश में बहुत सारे जन होते थे, यानी कि बहुत सारे क्या होते थे, स्टेट्स होते थे। अभी हमारे इंडिया में भी तो बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया क्या है, एक नेशन है और उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। द हेड ऑफ द कुल वॉज कॉल्ड कुलुप एंड हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड द ग्रामीणी। जो हेड होता था कुल का, हेड क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था कुलुप, और हेड ऑफ ग्राम उसको कहते थे ग्रामीणी। हेड ऑफ कुल वॉज कॉल्ड कुलुप एंड हेड ऑफ ग्राम वॉज कॉल्ड ग्रामीणी। द हेड ऑफ विलेज वॉज कॉल्ड ग्रामीणी। द ऑफिशियल ऑफ विश वॉज कॉल्ड द विशापति। और इसका जो अधिकारी होता था, जो इसका हेड होता था, वो क्या कहलाता था, विशापति। ठीक है। द हेड ऑफ द जन वॉज कॉल्ड गोप। और जो इसका हेड होता था उसको क्या कहा जाता था, गोप, गोप या गोपा इसको कहा जाता था। द कंट्री स्टेट वॉज कॉल्ड द राष्ट्र एंड किंग वॉज इट्स हेड। और जो कंट्री होती थी उसको राष्ट्र कहा जाता था, और इसका जो हेड होता था वो कौन होता था, किंग होता था। अंडरस्टूड। तो देखिए बेटा, हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग द वैदिक एज। इन द वैदिक एज फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट ओके ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिगेस्ट यूनिट वॉज द नेशन। अंडरस्टूड। और हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या कुछ ऐसी संस्था की बात कर रहे हैं ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स की, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होते हैं, बिगेस्ट तो होती थी कौन सी, राष्ट्र यानी कि नेशन कंट्री, उससे स्मॉल जन, उससे स्मॉल विश, उससे स्मॉल ग्राम एंड स्मॉलेस्ट कुल। हेड ऑफ कुल कुलुप, हेड ऑफ ग्राम ग्रामीणी, हेड ऑफ विश विशापति, हेड ऑफ जन गोप, हेड ऑफ राष्ट्र किंग। अंडरस्टूड। द ऑफिस ऑफ द किंग वॉज द डायनेस्टिक। ऑफिस ऑफ द किंग यानी कि जो पद था राजा का वो डायनेस्टिक था। डायनेस्टिक का मतलब ये था कि वो वंशाधारित था, कि राजा का बेटा राजा बनेगा, डायनेस्टिक था, वंशावली यानी कि वंशानुक्रम था, राजा का बेटा राजा ही होता था, वो नॉमिनेट या फिर वो अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो द ऑफिस ऑफ किंग वॉज डायनेस्टिक। ऑफिस ऑफ किंग यानी कि राजा का जो पद था वो वंशानुक्रम होता था, आफ्टर वन किंग उसका जो सन होगा वही उसका सक्सेसर होगा। देर आर रिकॉर्ड इन ऋग्वेदा दैट वन सम ओकेजन द किंग वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द रॉयल फैमिली। लेकिन हमें ऋग्वेदा में भी कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे मिलते हैं जिसमें ये बता रखा है कि कुछ ओकेजन ऐसे होते थे कि डायनेस्टिक पद होने के बावजूद भी इसका जो ऑफिस है, ऑफिस का मतलब यहाँ किसी रूम वगैरह से नहीं है, ऑफिस का मतलब है पोस्ट, यानी कि जो उसका डेजिग्नेशन है वो डायनेस्टिक है। बट ऋग्वेदा में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, देर आर रिकॉर्ड्स इन ऋग्वेदा दैट ऑन सम ओकेजन्स, ऋग्वेदा में कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं ऑन सम ओकेजन यानी कुछ ओकेजन्स पर द किंग वॉज इलेक्टेड फ्रॉम द रॉयल फैमिली, कि रॉयल फैमिली से किंग का चुनाव होता था। ठीक है। द किंग वाइल असेंडिंग द थ्रोन हैड टू टेक ओथ ऑफ द पीपुल्स कॉज। और जो किंग है when he ascended on the throne, जब वो थ्रोन पर बैठता था, he took an oath, वो एक शपथ लेता था for the welfare of public, यानी कि वो जो भी काम करेगा वो public यानी कि जनता की भलाई के लिए ही होगा। अब हम बात करते हैं कि लोग इनकम क्या होती थी राजा की, the people paid taxes, जो लोग होते थे वो टैक्स पे करते थे टू द किंग एंड द टैक्स वर कॉल्ड द बलिहार्थ। लोग क्या पे करते थे, टैक्स पे करते थे, और टैक्स को क्या कहा जाता था, टैक्स वॉज कॉल्ड बलिहारत। टैक्स को क्या कहा जा रहा है बेटा, बलिहारत कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ चुका है, स्मॉलेस्ट यूनिट रही है फैमिली, बिगेस्ट यूनिट रही है नेशन, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर रहा है, ये इनके हेड्स के नेम रहे, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि जो बिगेस्ट यूनिट राष्ट्र एंड स्मॉलर राष्ट्र, स्मॉलर देन राष्ट्र जना, स्मॉलर देन जना विश, स्मॉलर देन द विश ग्राम, एंड जो स्मॉलेस्ट यूनिट रही है वो कौन सी रही है, कुल रही है। और जो ऑफिस था किंग का वो क्या था, डायनेस्टिक रहा था। बट देर इज़ अ सम रिकॉर्ड्स इन द देर इज़ अ रिकॉर्ड इन द ऋग्वेदा दैट ऑन द सम ओकेजन किंग वॉज क्या अपॉइंटेड किया जाता था फ्रॉम रॉयल फैमिलीज से। एंड व्हेन किंग असेंडिंग ऑन द थ्रोन, जब वो अपने थ्रोन पर बैठता था, ही टुक एन ऑथ फॉर द वेलबींग या वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, एंड पीपल पेड टैक्सेस टू द किंग, जो लोग हैं वो किंग को टैक्स पे करते थे, एंड टैक्स वॉज कॉल्ड द बलिहारत, और टैक्स को क्या कहा जाता था, बलिहारत कहा जाता था इन द वैदिक पीरियड। इन द ऋग्वेदा वी फाइंड द मैंशन ऑफ द पंचजना एट मैनी प्लेसेस, दीज यूज टू बी फाइव जन,
कि ऋग्वेदा में हमें कई बार पंचजन का भी यूज मिलता है। पंचजन यानी कि पांच जन। देवर अनुपांच जन का मतलब है कि फाइव स्टेट्स। ओके, तो ये फाइव स्टेट्स कौन कौन से थे? पंचजना, ऋग्वेद में पंचजना मेंशन हुआ है, मीन्स फाइव स्टेट्स। अनु, यस्तु, तुर्वास, पुरु एंड दु। तो दीज वर द पंचजना। ये क्या थे? पंचजना थे मेंशन इन द ऋग्वेदा। तो यहाँ पर लिखा भी फाइंड द मेंशन ऑफ पंचजना एट द मेनी प्लेसेस। ऋग्वेदा में बहुत जगह पंचजना का मेंशन मिलता है। दीज यूज टू बी फाइव जन्स। और ये क्या थे? फाइव जन्स थे। ये फाइव जना कौन से थे? अनु वसु तुर्वास पुरु एंड दु। अब यहाँ पर एक बैटल का नाम आया है जो कि बड़ा फेमस रहा है और हिस्ट्री में भी इसका इंपॉर्टेंट रहा है। इन द ऋग्वेदा वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिग बैटल विच इज नोन एज द 10 स्टेट बैटल्स। ध्यान से सुना, 10 स्टेट्स बैटल। कि ऋग्वेदा में एक बैटल मेंशन हुआ है, ऋग्वेदा में एक बैटल के बारे में लिखा है, वो बैटल कौन सा? 10 स्टेट्स बैटल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वेरी शॉर्ट। तो ऋग्वेदा में एक बैटल, एक युद्ध के बारे में हम लोगों को लिखा मिलता है। वो युद्ध यानी कि वो बैटल कौन सा है? वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बिग बैटल विच इज नॉन एज द 10 स्टेट्स बैटल। 10 स्टेट्स, 10 स्टेट्स बैटल। यानी कि 10 राज्यों का युद्ध। ये 10 राज्यों का जो युद्ध है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है ऋग्वेदा में मिलता है, अमंग द 10 किंग। और किन के बीच में होगा? 10 स्टेट्स है, यानी कि तो 10 किंग के बीच में होता है। देयर वर अलिन, पख्त, बलानूर, वैसानी एंड शिव जनपदास बिसाइड्स पंचजन। यानी कि एक तरफ तो ये पंचजन थे, पंचजन जो मैंने अभी बताया आपको, अनु है, वत्सु है, तुर्वाज है, पुरु, धुने। यानी कि ये पंचजन हैं। कौन कौन से हैं? अनु, यास्तु, अनु, यात्सु, तुर्वास, पुरु एंड दु। ये क्या थे बेटा? पंचजन। पंचजनास, ये पंचजन थे। ओके, इनके बीच में बैटल हुआ था। और एक फाइव स्टेट सोर्स थे, वो कौन से थे? अलिन, पख्त, बहालनूर, वैसानी एंड शिव जनपदा। ये फाइव स्टेट्स थे। तो इनके बीच में क्या हुआ थे? वॉर हुआ। तो कितने हो गए? 10 स्टेट्स हो गए। इट इज सेड द किंग सुदास हैड रिमूव्ड विश्वामित्रा फ्रॉम द पास्ट ऑफ पुरोहित, पोस्ट ऑफ पुरोहित एंड हैड अपॉइंटेड द वशिष्ठ एज इज पुरोहित। और जो 10 किंग्स में ये भी कहा जाता है कि जो विश्वामित्रा थे, उन्होंने अपने पुरोहित को हटा दिया था। सुदास जो किंग थे, राजा किंग थे सुदास, उन्होंने अपने विश्वामित्रा पुरोहित को हटा दिया था और वशिष्ठा को अपॉइंट कर लिया था। सो विश्वामित्रा प्रमोटेड। क्यों हुआ था ये वॉर? सो विश्वामित्रा प्रमोटेड ऑल द 10 रूलर्स ऑफ द जन टू फाइट अगेंस्ट द किंग सुदास। तो इसीलिए ये जो 10 किंग हो गए थे, ये 10 किंग्स हो गए। तो इन 10 किंग्स ने मिलकर, 10 स्टेट्स ने किससे लड़ाई की थी? अगेंस्ट किंग सुदास। तो फाइव तो ये पंचजन थे, फाइव ये जनपदास थे। ये 10 किंग्स ने मिलकर किससे लड़ाई लड़ी थी? किंग सुदास से लड़ी थी। अब क्यों लड़ी थी? क्योंकि ये जो राजा थे किंग सुदास, इन्होंने विश्वामित्रा को कौन सी पोस्ट से हटा दिया था? पुरोहित की पोस्ट से हटा दिया था एंड अपॉइंटेड वशिष्ठा। विश्वामित्रा को इन्होंने हटा दिया और वशिष्ठा को इन्होंने अपॉइंट कर दिया था। इसीलिए जिन्होंने विश्वामित्रा को हटाया था, तो इन्होंने इन 10 रूलर्स को, यानी कि इन 10 राजाओं को प्रमोट किया था, यानी कि उनको बढ़ावा दिया था ऑफ द जना टू फाइट अगेंस्ट, प्रमोट किया इनसे लड़ने के लिए। बट किंग सुदास गॉट विक्ट्री। लेकिन इसमें जीत किसकी हुई?
10 स्टेट्स बैटल में किंग सुदास की ही विक्ट्री हुई इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट या राष्ट्र में। तो हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा। पॉलिटिकल सिस्टम में स्मॉलेस्ट यूनिट किसको बताई? फैमिली को बताई। बिगेस्ट किसको बताई? राष्ट्र यानी कि नेशन को बताई। और हमने 10 स्टेट बैटल्स भी पढ़ा है। 10 स्टेट्स बैटल का मेंशन किसमें मिलता है? ऋग्वेदा में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? अमंग द, ये पहले तो 10 स्टेट्स थे, बिटवीन द 10 स्टेट्स एंड किंग सुदास के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? बिकॉज किंग सुदास रिमूव्ड विश्वामित्रा फ्रॉम द पोस्ट ऑफ पुरोहित, यानी कि पुरोहित की पोस्ट से विश्वामित्रा को हटा करके वशिष्ठा को पोस्ट दे दी थी। तो विश्वामित्रा इनसे चिढ़ गए एंड विश्वामित्रा प्रमोटेड द 10 किंग्स टू फाइट बैटल अगेंस्ट द किंग सुदास, बट किंग सुदास गॉट द विक्ट्री इन द 10 स्टेट्स बैटल, और वो 10 स्टेट्स के बैटल में वो जीत गए थे। अब नेक्स्ट पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सॉरी असेंबलीज हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।